हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो निफ्टी का चार्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। निफ्टी ने क्लीन एंड क्लियर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, आप देख सकते हो, गैप डाउन के साथ ब्रेक किया है, विच इज अ नेगेटिव पॉइंट। और अगर फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को मिलता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में टारगेट्स भी दिए हुए हैं, 11,200 तक के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं और बैंक निफ्टी में 22,000 तक के टारगेट्स। सो व्यू अभी भी बेरिश है। कोई भी गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। निफ्टी का सेटअप मुझे नेगेटिव लग रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ से अगर फॉलो थ्रू सेलिंग आता है, 11,300 के नीचे अगर जाता है निफ्टी, 100-150 पॉइंट का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है। सो 11,200 तक के टारगेट पॉसिबल है निफ्टी में। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी से थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा वीक लग रहा है। बैंक निफ्टी में एक फास्ट फॉल हमें देखने को मिल सकता है, 22,000 तक के टारगेट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में भी आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अगर कोई गैप अप ओपनिंग होता है तो भी शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, और अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो भी आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अगर कोई बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आपको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो आपको ध्यान से ट्रेडिंग करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देख के ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में हिंडाल्को सेल दिया था 191 के नीचे, इसमें आपको डेफिनेटली इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा। मैंने आपको डीएलएफ सेल दिया था 157 के नीचे, इसमें भी आपको इंट्राडे में पैसा आया होगा। मैंने आपको टाइटन दिया था बाय 1192 के ऊपर, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है 10 रुपए का, 1179 का स्टॉप लॉस था। सो टाइटन में ऐसे ट्रिगर हुआ, डीएलएफ एंड हिंडाल्को में आपको प्रॉफिट आया होगा। सो आपने कौन सा ट्रेड किया है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, आपने हिंडाल्को ट्रेड किया या डीएलएफ ट्रेड किया या तीनों ट्रेड किया। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन के लिए, कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सो सबसे पहला स्टॉक होगा माइंट्री। माइंट्री का स्ट्रक्चर मुझे बहुत नेगेटिव लग रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इसने 4-5 कैंडल एक ही रेंज में बनाया था, और इस पैटर्न को बोलते हैं सैंडविच पैटर्न, क्योंकि एक ही रेंज में था 4-5 कैंडल। ऊपर ब्रेकआउट जरूर दिया लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ है, इसमें ब्रेकआउट फेल हुआ है, इट्स अ ब्रेकआउट फेलियर। सो मुझे लगता है एक फास्ट फॉलो में देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन माइंट्री का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा टाटा मोटर। टाटा मोटर का भी स्ट्रक्चर मुझे शॉर्ट के लिए काफी अच्छा लग रहा है, इसमें मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। एग्रेसिव शॉर्ट्स मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के कारण हमें इंट्राडे में इसमें पैसा आ सकता है। सो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टाटा मोटर का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है, मुझे लगता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक होगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, अगर ये 3600 के ऊपर सस्टेन कर लेता है वापस तो शार्प अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। बजाज फाइनेंस इंट्राडे के लिए आप ट्रेड कर सकते हो बाइंग की तरफ, हमें 25-30 रुपए का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। सो कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।